अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू चंकी स्टोरीज। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है एक खरगोश और कछुए के बारे में। तो दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। एक दिन वो खेल रहे थे कि खरगोश ने कछुए की चलने की स्लो स्पीड का मजाक बनाया, तो कछुए को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से खरगोश को रेस का चैलेंज कर दिया और बोला कि आओ दोनों रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। खरगोश पहले तो कछुए पर हंसा और फिर फौरन रेस की हामी भर ली। फिर उन दोनों ने रेस के लिए जगह का फैसला किया और दोनों ने 1 2 3 गो कहकर रेस शुरू कर दी। खरगोश तो तेज भागता है, तो वो तो तेजी से भागकर कछुए से बहुत आगे निकल गया। कछुआ बेचारा तो आहिस्ता ही चल सकता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेस ट्रैक पे चलने लगा। थोड़ी ही देर में खरगोश तेज तेज भागकर बहुत आगे निकल गया और फिर वो रेस जीत गया। रेस जीतने के बाद खरगोश वापस कछुए के पास गया और उसका मजाक उड़ाकर कहने लगा कि तुम तो बहुत ही सुस्त हो, इतना आहिस्ता चलते हो तुम। देखो, मैं इतनी तेजी से भागकर रेस जीत गया। कछुए को एक आइडिया आया और वो खरगोश से कहने लगा कि ऐसा करते हैं, एक और रेस लगाते हैं और इस दफा रेस की जगह मेरी मर्जी की होगी। खरगोश अपनी जीत की गरूर में फौरन मान गया और फिर उन्होंने दोबारा से रेस शुरू की। अब रेस की जगह मुख्तलिफ थी और रास्ते में एक नदी भी आती थी। खरगोश शुरू में तो तेजी से भागकर फौरन नदी तक जा पहुंचा और नदी को देखकर परेशान हो गया, क्योंकि अब वो नदी से कैसे गुजरेगा, क्योंकि उसे तो तैरना ही नहीं आता था। इतनी देर में कछुआ आहिस्ता से चलते हुए आया और फिर खरगोश को रुका हुआ देखकर मुस्कुराया और फिर मजे से नदी में तैरता हुआ आगे चला गया। और फिर नदी से निकलकर बाकी का रास्ता भी वो आसानी से तय करके वो ये रेस जीत गया था। रेस जीतने के बाद कछुआ वापस खरगोश तक आया और उससे मुस्कुरा कर कहने लगा, देखो ये रेस तो मैं जीत गया। खरगोश थोड़ा उदास नजर आ रहा था। फिर कछुए ने उसकी उदासी को देखकर कहने लगा कि अब हम ऐसी रेस लगाते हैं जिसमें हम दोनों जीत जाएंगे। खरगोश बोला, वो कैसे? कछुआ बोला कि इस बार मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर नदी तक जाऊंगा, फिर नदी में तुम मेरे ऊपर बैठकर नदी पार कर लेना। इस तरह ये रेस हम दोनों जीत जाएंगे। खरगोश को कछुए की बात बहुत पसंद आई और फिर उन दोनों ने दोबारा से रेस शुरू की और खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठाया और तेज तेज भागकर वो उसे नदी तक ले गया। फिर नदी के पास पहुंचकर कछुआ नीचे उतरा और उसने खरगोश को अपने ऊपर बिठाया और नदी में तैरकर उसे आगे ले गया। फिर दोबारा खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बिठाया और तेज भागकर वो रेस मुकम्मल कर ली और इस तरह ये रेस वो दोनों जीत गए थे और उन दोनों के चेहरे से खुशी चमक रही थी। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी से हमने ये सीखा कि हम एक दूसरे की कमजोरी का मजाक ना बनाएं, बल्कि एक दूसरे की मदद करें तो हम अपनी मंजिल तक जल्दी और आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों, इत्तफाक में बरकत होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली न्यूज स्टोरी के लिए विजिट करें। अच्छा दोस्तों, अब कल मिलते हैं एक न्यू मॉरल स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।